Gauranga, Gauranga. हरे कृष्णा। तो एप्पल चटनी बनाने के लिए हमने लिए हैं 3 बड़े एप्पल। अब इन एप्पल्स को हम पील करके छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो ये एप्पल्स हमारे कट हो गए हैं। आप देखिए मैंने इतने छोटे छोटे क्यूब्स में ही इसे कट करा है, क्योंकि जब हम इन्हें कुक करेंगे तो ये इजीली सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं बनाना। एक पैन को हम गैस पे रखेंगे और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 करछी यानी एट एन अराउंड 2 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर, जो कि हमने मेल्ट कर रखा है। ये अच्छे से हीट हो जाए और तब तक हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी रेडी कर लेते हैं, जो स्पाइसेस हैं। तो इसके लिए मैंने ली है सबसे पहले मस्टर्ड सीड। ये मस्टर्ड सीड हमारे 1 टेबलस्पून है और वो हम डाल देंगे अपने इस सॉल्टेड बटर में। तो हमारी मस्टर्ड सीड जो है अच्छे से हीटअप हो गए हैं और ये तड़ 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 करके जैसे कुक होते हैं, तो वो भी हमें साउंड आने लग गई है। अब इसमें मैं डालूंगी 4 to 5 क्लोव्स। गैस को हम स्लो कर देंगे हल्का सा और साथ में ही डालेंगे फेनल सीड्स। ये 1 टेबलस्पून फेनल सीड्स लिए मैंने। एक बार अच्छे से इसको और अब इसमें हम डालेंगे सिनेमन पाउडर। अगर आपके पास सिनेमन पाउडर नहीं है तो आप सिनेमन स्टिक को जो है लेकर अपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, तो सिनेमन पाउडर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सिनेमन पाउडर। तो ये 1 टेबलस्पून सिनेमन पाउडर इसमें डालेंगे और इसके बाद अब हम लेंगे जिंजर। जिंजर को आप डायरेक्टली अपने यूटेंसिल के अंदर ही ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो ये जिंजर भी डाल गई है हमारी। इसको एक अच्छे से सौते देंगे और अब इसमें जो हमने अपने एप्पल्स कट करके रखे थे उन एप्पल्स को डाल देंगे। और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे कि जो हमारे सारे स्पाइसेस हैं वो एप्पल के साथ भी आ जाए। और अब हम इसमें डालेंगे 1/3 कप ऑफ शुगर। आप इसमें ऑप्शनल है, आप ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हैं। मेरी ये ग्राइंडेड शुगर यानी खांड है, तो मैंने ये डाली। साथ में इसमें मैं ले रही हूँ हनी। ये मैंने डाला है 2 टेबलस्पून ऑफ हनी। तो ये अच्छे से डालकर हम इसको फटाफट जो है लैडल से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो शुगर कैरामलाइज है वो इक्वली हो। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप डालेंगे ना और जैसे कुक हो रहा है, वो साथ साथ शुगर हमारी तुरंत ही कैरामलाइज भी होने लग गई है। तो इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। और ये हमारा अभी तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही पक रहा है। इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, अगर आपके लोकेलिटी में इजीली जो है चकोरी अवेलेबल है तो आप वो चकोरी भी बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में डाल सकते हैं। चकोरी बेसिकली एक फ्रेंच रूट से बनती है, तो ये चकोरी है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ये भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। इससे जो है हमारा कलर जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा और फ्लेवर भी थोड़ा एनहांस हो जाएगा। तो इसे अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर देंगे। मैंने अभी तक इसमें सॉल्ट नहीं डाली है। सॉल्ट हम इसमें थोड़ा सा कुक हो जाएगा उसके बाद डालेंगे। और अब मैं इसको स्लो गैस पर ही इसको लिड से ढक दूंगी, ताकि ये स्टीम में थोड़ा और अच्छे से पकता रहे। ये सिर्फ हम 1 या 2 मिनट की करेंगे, ताकि जो मेरे एप्पल्स हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं हमने लिड ढककर पकाते हुए। अब हम लिड ओपन करेंगे। अब आप अपने लैडल से एक बार ही चेक करेंगे कि जो एप्पल्स हैं वो अच्छे से सॉफ्टन हो गए हैं कि नहीं। तो ये देखो एप्पल बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं, आराम से ऐसे दबाने पर टूट रहे हैं। तो हमारे एप्पल्स बेसिकली अब कुक हो चुके हैं अच्छे से। तो अब हमें क्या करना है, अब हम जो है एप्पल्स को ऐसे मैश कर देंगे ताकि वो कंसिस्टेंटली सारे में आ जाए। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर की चटनी चाहिए बेसिकली, तो आप जो है इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ ये ऐसे करते हुए इनको मैश कर रही हूँ। तो अच्छे से इसको हम मैश कर देंगे। अब तो हमने एक बार अच्छे से इसको मैश कर दिया और अब देखो इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो गई है। अब हमने इसमें सॉल्ट नहीं डाला था, तो हम बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालेंगे। मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। तो 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डालने के बाद अब इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे।
और अब हम अपनी गैस को जो है बंद कर देंगे। तो हमारी एप्पल चटनी बिल्कुल रेडी है। तो हमारी एप्पल चटनी इज बिल्कुल रेडी। अब हम तुलसी जी डालकर गौर नेताई को भोग लगाते हैं।